नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राहुल गांधी का भौकाल इस बार हर किसी ने देखा, जहां राहुल ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से बंपर जीत हासिल की। लेकिन राहुल दोनों सीटों से सांसद नहीं रह सकते, उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। ऐसे में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट में से एक सीट को चुन लिया है। उन्होंने वायनाड सीट खाली करने को लेकर लोकसभा स्पीकर के ऑफिस को बता दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर लोकसभा स्पीकर के ऑफिस को रायबरेली सीट से सांसद बने रहने और वायनाड सीट छोड़ने को लेकर लेटर भेज दिया है। यानी राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, जरा सुनिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी दो जगह से चुन के आए हैं, कानून के तहत उनको एक सीट वैकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नजदीक है। बता दें, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली सीट से 3,90,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। वहीं वायनाड सीट से राहुल ने 3,64,422 वोट के मार्जिन से चुनाव जीता था। अब खबरें हैं कि वायनाड सीट से उपचुनाव होगा, तो ऐसे में इस सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। ये खबरें जोरों पर है, क्योंकि वायनाड अब खाली हो जाएगी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उपचुनाव होंगे। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी कहा है, मैं वायनाड के लोगों को अपने भाई राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और मैं सभी को खुश करने और एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश करूंगी। उनका बयान भी सुनिए। बहुत खुश हूं मैं। I'm very happy to be able to represent Wayanad and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मैं, मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं, मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा, हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं, सिंपल सी बात। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर वही कहा है। आप उनका बयान। वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। यानी अब तय है कि राहुल के बाद प्रियंका वायनाड की कमान संभालेंगी अगर वो जीत हासिल करती है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।